दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी 132वीं जयंती के मौके पर देश के विभिन्न हलकों में, विभिन्न शहरों में भव्य कार्यक्रम हुए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और तमाम जो ओहदेदार हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कहीं, श्रद्धांजलि अर्पित की, फूल माले चढ़ाए गए बाबा साहब के लिए। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हमारी जो स्टेट है, इंडियन स्टेट, इसको जो संचालित करने वाली शक्तियां हैं, वो बहुत जोरदार ढंग से इस वक्त देश के निजाम, यानी देश का जो शासन है, देश का जो राजनीतिक तंत्र है, उसको हिंदू डोमिनेटेड स्टेट बनाने पर आमादा है। अपनी भाषा में इसे हिंदू राष्ट्र वे कह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ओहदे पर हैं वे भी कह देते हैं, और जो ओहदे पर हैं उनके जितने समर्थक संगठन, आनुषंगिक संगठन हैं देश में, विभिन्न हलकों में काम करने वाले जनता के बीच में, वे तो खुलेआम कह रहे हैं। यहां तक कि सत्ताधारी दल के समर्थक जो बाबा हैं, महात्मा हैं, संत अपने को कहने वाले लोग हैं, वे तो कहते हैं कि आप जो है हमें समर्थन दीजिए, हम आपको इसके बदले हिंदू राष्ट्र देंगे। और कभी भी सरकार में बैठे हुए जो बड़े ओहदेदार हैं, स्टेट को संचालित करने वाले जो बड़े ओहदेदार हैं, कभी इसका खंडन नहीं करते, कभी इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। जो उनके लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वे देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब यही है कि अपने देश का जो संविधान है उसको वो पलटना चाहते हैं। लेकिन इसका खंडन नहीं किया जाता है सरकार में बैठे हुए लोगों द्वारा। तो आज मैं यही सवाल उठाना चाहता हूं कि भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनकी जयंती के अवसर पर अभी इतना फूल माला चढ़ाया गया, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें कही गईं, क्या ये हमारे देश की हुकूमत को चलाने वाले लोगों का राजनीतिक और विचारधारात्मक ढकोसला नहीं है? एक तरफ तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अपने को अनुयायी बताते हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आदर्शों को लागू कर रहे हैं, उनको अपना मान रहे हैं, उनकी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, उनके लिए कोई आदमकद प्रतिमा बनवा रहा है, कोई और मूर्ति को और ऊंचा करने पर आमादा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाओं की बात की जा रही है, बिल्डिंग्स बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जो विचार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भारत की व्यवस्था के बारे में है, राज्य के बारे में है, राज्य की संरचना के बारे में है, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अंबेडकर भारत के बारे में क्या सोचते थे, आज के इस कार्यक्रम में मैं उनके कुछ शब्दों को, कुछ उनके वाक्यों को, कुछ उनकी धारणाओं को सामने रखना चाहता हूं। और फिर आप देखिए कि भारत के आज के जो शासक हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, कैसे वे उसके उलट काम कर रहे हैं। तो यही सवाल है कि ऐसा वे क्यों कर रहे हैं, और देश की जनता क्या उनके इस ढकोसले को समझ रही है या नहीं समझ रही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले, आजाद भारत होने से पहले, यानी आजादी मिलने से पहले 1940 में, उस वक्त भी देश में इन चीजों की आवाजें गूंज रही थी कि भारत जब आजाद होगा तो उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है या सेकुलर संविधान रखना है, लोकतंत्र रखना है या राजतंत्र बनाना है, राज्यों को मिलाना है, किस तरह की व्यवस्था लानी है, इस पर बात चल रही थी। तो 1940 में जो उन्होंने एक किताब लिखी, वो किताब थी पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और वो आपको मैं बताऊं, उनके वांग्मय में जो भारत सरकार ने छापा है, वो किसी निजी पब्लिकेशन ने नहीं छापा है, भारत सरकार ने जो उनका वांग्मय छापा है, कलेक्शन,
उनकी सारी कलेक्टेड जो रचनाएं जो कलेक्ट किया है उसका जो अलग अलग खंडों में जो सारा छपा है उसके खंड 8 के पेज 358 पर वांग्मय के एक जगह बाबा साहब कहते हैं। और आप वैसे भी किताब जो उनकी बहुत मशहूर किताब है पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 की किताब है उसमें वो कहते हैं कि अगर हिंदू राज एक असलियत बनता है तो वह निस्संदेह भारत के लिए बेहद खतरनाक होगा। मैं शब्दों को उनके आपके सामने पेश कर रहा हूं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। अगर हिंदू राज एक असलियत बनता है तो वह निस्संदेह भारत के लिए बेहद खतरनाक होगा, बड़ी विपत्ति होगी। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदुत्व स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस तरह वह लोकतंत्र के प्रतिकूल है। हिंदू राज को हर कीमत पर असलियत बनने से रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो जो लोग उनकी जयंती के मौके पर रंग बिरंगे भाषणों को देखकर अपने आप को बाबा साहब का समर्थक बताने का दावा पेश कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनकी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और विचारधारा के ठीक उलट बात कर रहे हैं। वो इसे देश के लिए खतरा बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक और दिल्ली से लेकर के और बिल्कुल नीचे केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के और सुदूर के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तक लगातार कुछ लोग जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा, उनके विचार इसके ठीक उलट हैं। वो हिंदू राष्ट्र को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। 1940 में जब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही थी, संयोग ऐसा था कि उस समय भी आवाजें इस तरह की आ रही थी, और वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये समानता के लिए खतरनाक है, ये भ्रातृत्व के लिए खतरनाक है और ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, आजकल सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। बाबा साहब ने इसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण कमेंट किया है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक समान या सनातन संस्कृति जैसी कोई चीज नहीं है। ये बात बाबा साहब उस वक्त कह रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, हिंदू समाज नाम की कोई चीज नहीं है, यह जातियों का झुंड है। आज अगर ये बात कह दे तो बहुत सारे लोग पिनक जाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं कुपित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन अब बाबा साहब पर क्रोध अपना दिखाएं, वो अगर ईमानदारी उनमें है तो बाबा साहब को बहिष्कृत करें। अगर उनमें साहस है, वो लगातार कंटेम्प्ट करते हैं आज लोगों पर कंटेम्प्ट के मुकदमे उठाते हैं कि आपने ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों कह दिया। बाबा साहब खुलेआम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं कोट कर रहा हूं, हिंदू समाज नाम की कोई चीज नहीं है, ये जातियों का झुंड है। जातियों के इस हिंदू नामक झुंड का वजूद सिर्फ कुछ समुदायों के बरक सामने आता है। ये बाबा साहब की बात है, अपनी मशहूर किताब जाति का विनाश जो किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए ये बात कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जात आधारित असमानता हिंदुत्व का प्राण तत्व है, इसीलिए हिंदुत्व और लोकतंत्र दो विरोधी छोर पर खड़े हैं। दोस्तों ये बाबा साहब के उद्धरण हैं और किताब में मौजूद हैं जिसको भारत सरकार ने छापा है। भारत सरकार जो है उसने छापा है और उसको अंग्रेजी में, हिंदी में और सबसे पहले मराठी में छापा गया था जब राज्य सरकार ने वहां की छापा था। तो आज के दौर में जब बाबा साहब के बारे में इतने सारे दावे किए जा रहे हैं तो जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनकी बातों पर क्यों नहीं महत्व दे रहे हैं, उनकी बातों को केवल उन पर
अपना समय क्यों जाया कर रहे हैं, उनके विचारों को की अनदेखी कर रहे हैं और जनता को भरमाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जो बाबा साहब को प्यार करने वाले लोग हैं, जो वास्तविक श्रद्धा करने वाले लोग हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए वो बाबा साहब पर फूलमाला चढ़ा रहे हैं। एक तरफ विचारों का विरोध और दूसरी तरफ फूल और माला, ये है आज की असलियत। बिल्कुल आखिर में ये, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में उनकी जयंती पर और उनके पद निर्वाण दिवस पर हमेशा पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमारे देश के शासकों की जो बातें हैं वो सामने उभर कर आती हैं, इसलिए आज इस वीडियो में मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो भी कही जाएं बातें, उनको उनकी परीक्षा इस बात से होनी चाहिए कि आखिर जो विचार हैं उसके उलट करने वाले लोग, उसके ठीक उल्टी नीतियां बनाने वाले लोग आखिर कैसे दावेदारी कर सकते हैं उनकी विरासत का, समर्थक होने का, उनकी 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 बातों को अमली जामा पहनाने का। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनके विचारों के अनुरूप काम करने का दावा करते हैं, तो आपको भारत की जो संवैधानिकता है, भारत का जो लोकतंत्र है, उसके पक्ष में खड़ा होना होगा, हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होना होगा, हिंदू राज बनाने की जो योजना चलाने वाले लोग हैं उनको उनको देश के लिए खतरनाक मानना पड़ेगा। क्या हमारी सरकार, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग क्या इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? और अगर नहीं हैं तो यकीनन उनके शब्द जो हैं खाली कारतूस की तरह हैं, वो उसमें कोई दम नहीं है। वे केवल वे बातें ऐसी कह रहे हैं जिससे लोग कुछ खुश हो जाएं। इस देश के उत्पीड़ित समाजों के लोग जो जाहिर है संख्या में ज़्यादा हैं, बाबा साहब ने यही कहा था। और ये जो भारत के संविधान का प्रियम्बुल है जिसके वो रचयिता हैं, खासकर प्रियम्बुल के, उसमें जिस समानता की बात की गई थी आज़ादी के बाद और खासकर 1950 के बाद जब ये देश रिपब्लिक बना, गणराज्य बना, तब से असमानता देश में बढ़ी है, समानता कम हुई है। ये आश्चर्यजनक घटना है, जो असमानता का लेवल है वो और बढ़ गया है, भ्रातृत्व जो है वो धराशायी हो रहा है, हर जगह कटुता के बीज बोए जा रहे हैं। और दोस्तों यही नहीं, अगर आप देखें स्वतंत्रता लोगों की छिन रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1932 की बात हो, 36 की बात हो, 40 की बात हो, 46 की बात हो और 56 की बात हो, जब तक वो जीवित रहे वो लगातार ऐसी बातें कह रहे थे कि वैसी बातें अगर आज कोई कह दे तो उसको फौरन जेल में डाल दिया जाएगा, उसको देशद्रोही बता दिया जाएगा, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत केसेस चला दी जाएंगी और उसको जीना उसका मुहाल कर दिया जाएगा। ये हालत है अपने देश में लिबर्टी की, अपने देश में स्वतंत्रता की। तो व्यक्ति स्वातंत्र का जो सिद्धांत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी खत्म किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जिन लोगों ने बड़े बड़े शब्दों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, फूलमाला चढ़ाई है, उन्हें सोचना होगा कि बाबा साहब के आदर्शों को वो जमीनी असलियत बनाने के बजाय सिर्फ उनके उनके ऊपर श्रद्धा के फूल चढ़ा रहे हैं, जबकि उनके विचारों की हत्या कर रहे हैं। आखिर इस कॉन्ट्रडिक्शन का क्या मतलब है, इसे किस रूप में देखा जाए? अंत में बिल्कुल यही मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मतलब यह है कि उनके शब्दों को, उनके विचारों को अमली जामा पहनाया जाए, न कि उन पर सिर्फ फूल माला बरसाई जाए लेकिन उनके विचारों की हत्या की जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।